हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन नजर जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहां पर मैंने ऑलरेडी डिलीट के लिए एक बटन डाल दिया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब भी हम डिलीट पर क्लिक करें तो ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से डिलीट हो जाए, उसके साथ साथ प्रोडक्ट की जो इमेज है वो भी यहाँ से डिलीट हो जाए। तो आइए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे अपनी कोड पर एंड यहाँ पर हमें जाना है index.blade.php फाइल के अंदर, जहाँ पर हमारा डिलीट बटन है। तो अगर हम नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो डिलीट बटन है, ये डिलीट बटन है वो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने web.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक राउट, जो कि होगा पोस्ट राउट, क्योंकि डिलीट के लिए हम हमेशा पोस्ट राउट यूज़ करते हैं। तो हम इसको कॉपी करेंगे एंड नीचे हम पेस्ट कर देंगे। तो राउट पोस्ट राउट होगा, यहाँ पे हम करेंगे डिलीट या फिर डिस्ट्रॉय। हमने इसको डिस्ट्रॉय किया एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमने आईडी पास कर दिया। हमें इस वाले आईडी की जो वैल्यू है उसके थ्रू हमें डिलीट करना है। देन यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर होगा, देन यहाँ पर हमें डिस्ट्रॉय करना है। ये मेथड नेम है जो हम थोड़ी देर में क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो राउट नेम होगा वो होगा प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय। हमने यहाँ पर राउट का नेम दे दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो आइए अब ये जो डिस्ट्रॉय मेथड है इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। चलते हैं अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, नीचे चलते हैं एंड यहाँ पर हम करते हैं पब्लिक फंक्शन देन डिस्ट्रॉय। इसके अंदर हम पास कर देंगे आईडी, क्योंकि हमें आईडी चाहिए। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम जाएंगे अपने index.blade.php फाइल के अंदर। इस edit.blade.php की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये वाला जो एंकर लिंक है इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, इसको रहने देते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एंकर टैग लगा हुआ है एंड यहाँ पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एंकर टैग के थ्रू। जहाँ पर हमने क्या किया है, एंकर टैग लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने क्लास लगाया हुआ है बूटस्ट्रैप का बटन, बटन डेंजर। इसके लिए यहाँ पर जो डिलीट का बटन का जो कलर आप देख रहे हैं रेड दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पर हम HREF के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। इसकी ऑन क्लिक इवेंट पे हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक फॉर्म डिफाइन किया है, उसके अंदर मैंने CSRF रखा है। इस फॉर्म का आईडी है डिलीट फॉर्म एंड देन यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का आईडी दिया है। ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है ताकि हर एक रो के लिए यूनिक फॉर्म हो। देन यहाँ पर हमने इस फॉर्म का एक एक्शन मेथड दिया है एंड एक्शन के अंदर हम यहाँ पर राउट लिखेंगे। राउट के अंदर हमें यहाँ पर अपना राउट देना है। तो अपना जो राउट है वो कौन सा है, प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी किया एंड यहाँ पर हम इसको चेंज करके इसको हम रिप्लेस किया। तो राउट प्रोडक्ट डॉट डिस्ट्रॉय, ये मेरा राउट है। देन यहाँ पर हमने आईडी पास कर दिया एंड यहाँ पर जो मेथड है वो पोस्ट मेथड है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो राउट डिक्लेयर किया है वो हमने यहाँ पे पोस्ट राउट डिक्लेयर किया है, ठीक है। देन इस फॉर्म की जो डिस्प्ले स्टेटस है वो हमने नन कर दिया, मतलब कि ये फॉर्म विजिबल नहीं होगा यूज़र को। एंड देन ऑन क्लिक पे, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं प्रिंट, इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है। कौन सा वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म, गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हम डिलीट फॉर्म, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, मतलब जो फॉर्म होगा वो हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं एंड उस फॉर्म को हम सबमिट कर रहे हैं। तो अल्टीमेट काम जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो है, हमारा एंकर टैग के साथ हमने एक फॉर्म डिफाइन किया है, हर एक फॉर्म का एक यूनिक आईडी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एरर आ चुका है और ये एरर आपको पता है कि राउट प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या करना होगा, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज़ करना होगा सिर्फ। तो हमने PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज़ कमेंट चला दिया है, आप देख सकते हैं जो एरर है वो चला गया है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, डायनामिकली हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं एंड उस फॉर्म को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू पोस्ट कर रहे हैं या फिर सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर जो डिस्ट्रॉय मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंडीशंस लगाएंगे कि इफ़ आईडी, मतलब आईडी अगर है तो ही हम ये काम करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट कोलन कोलन फाइंड, हम फाइंड करेंगे आईडी के थ्रू।
एंड जो हम फाइंड करेंगे वो हम इस प्रोडक्ट वाले वेरिएबल के अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया है, तो हम यहाँ पर फिर से कंडीशंस लगाएंगे। अगर प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी है तो ही हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर प्रोडक्ट देन डिलीट करने वाले हैं। ये हमने कर लिया, तो इस कोड से क्या होगा फ्रेंड, इस कोड से ये वाला जो प्रोडक्ट है वो डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट डिलीट करना है तो उससे पहले प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इमेज है वो भी तो हमें सर्वर से डिलीट करना होगा ना, मतलब ये वाला जो इमेज है वो हमें डिलीट करना है इस पाथ से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रोडक्ट इमेज है इसको हम गेट करेंगे। तो आइए इसको करते हैं, प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पर हम प्रोडक्ट इमेज हम कैसे गेट करेंगे, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इमेज, इस तरह से हमने प्रोडक्ट इमेज गेट कर लिया। अब या फिर हम डायरेक्टली इसको इस तरह से ना करके हम डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं कि इफ अगर प्रोडक्ट इमेज है, या फिर हम इसको इस सेट कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट इमेज है तो हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे फाइल देन एग्जिस्ट। हम कंडीशंस लगाएंगे कि जो फाइल है वो सर्वर पर एग्जिस्ट करता है या नहीं, एंड इसको हम इफ कंडीशन पे फिर से लगा देंगे। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पर फाइल डिलीट कर देंगे एंड इसके अंदर हम ये वाला यूज़ करेंगे, सेमी कॉलन। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल पे हम लोगों ने अनलिंक दिखा था किस तरह से हम इमेज को सर्वर से डिलीट करते हैं। तो अब हम फाइल डिलीट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं कि यहाँ पर आईडी है या नहीं। अगर आईडी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आईडी मिलता है तो हम प्रोडक्ट को उस आईडी के थ्रू फाइंड कर रहे हैं एंड इस प्रोडक्ट वाले वेरिएबल के अंदर इसको असाइन कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट मिलता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का जो इमेज है वो गेट करेंगे। लेकिन वो भी अगर मिलता है देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं फ्रेंड, हम चेक कर रहे हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट इमेज है ये सर्वर पर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अगर वो मिलता है देन उसके बाद हम उस फाइल को डिलीट करेंगे एंड देन जैसे ये काम ख़त्म हो जाए देन उसके बाद हम प्रोडक्ट को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये काम हम कर रहे हैं, तो आइए इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। हम चलेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, इसको करेंगे रिलोड एंड सबसे पहले हम ये वाला जो ब्लैक इमेज है इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट बटन पे हम क्लिक किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं राउट आ चुका है लेकिन यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन दिखा रहा है, तो मतलब मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। जैसे कि अगर मैं डेटाबेस को रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो रो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगर मैं अपने फोल्डर पे जाऊँ तो ये जो इमेज है वो यहाँ से भी डिलीट हो चुका है। हमें क्या करना होगा फ्रेंड, हमें यहाँ पर यूज़र को एक सक्सेस मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर जो मैसेज होगा डिलीटेड सक्सेसफुली, मतलब प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, तो ये मैसेज हमने यूज़र को दिखा दिया है। तो आइए इसको फिर से टेस्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही इमेज है, मैं यहाँ पर डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, मतलब प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगर हम डेटाबेस पे जाएं तो डेटाबेस से भी डिलीट हो चुका है एंड अगर हम अपने प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर देखें तो यहाँ पर भी यहाँ से भी वो डिलीट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम प्रोडक्ट को डिलीट करते हैं एंड प्रोडक्ट की जो रिलेटेड इमेज है उसको किस तरह से डिलीट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।